हेलो दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के संबंध में स्टेट सिंबल ऑफ राजस्थान राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिडा राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन राज्य पशु चिंकारा ऊंट दोनों हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी राज्य खेल बास्केटबॉल राज्य लोक नृत्य घोमर और राज्य गीत है केसरिया बालम आओ नि पधारो मारा देश ये थे महत्वपूर्ण राजस्थान के प्रतीक चिन्ह इनके विस्तार से चर्चा आगे की स्लाइड में करेंगे तो शुरुआत करते हैं राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन गोडाउन के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनकी चर्चा करते हैं गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई उन्नीस में मिला था गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस्ट नाइग्रीसेप्स है गोडाउन को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है गोडाउन को स्थानीय भाषा में सोन चिड़िया शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है गोडाउन के अन्य उपनाम सारंग कोकना तुकदर बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है गोडाउन को हाड़ौती के क्षेत्र में मालमोरडी कहा जाता है गोडाउन पक्षी राजस्थान के तीन जिलों में सर्वाधिक देखा जा सकता है मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर में सोरसन बारा में और शौकड़िया अजमेर में सर्वाधिक देखा जा सकता है गोडाउन का ऊपरी भाग का रंग नीला होता है का प्रिय भोजन मूंगफली व के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतु वाले प्रसिद्ध है गोडाउन का प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है गोडाउन मूलतः अफ्रीका का पक्षी है गोडाउन की कुल ऊंचाई लगभग चार मीटर चार फिट रेंटी में एक मीटर देर की गोडाउन राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखा जा सकता है गोडाउन सूत्रमूर्ख की तरह दिखाई देता है 2011 में आइकन की रेड डेटा लिस्ट में इसे संकटग्रस्त प्रजाति गोडाउन को माना गया है गोडाउन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गोडाउन जैसलमेर का शुभंकर भी घोषित हुआ है उन्नीस में जयपुर में गोडाउन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में है चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 22 मई उन्नीस को मिला था चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है राज्य में सर्वाधिक चिंकारा जोधपुर में देखे जा सकते हैं चिंकारा को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक मरुभाग में पाया जाता है चिकारा नाम से राजस्थान में एक तत्ववाद्य यंत्र भी है राज्य पशु ऊंट पशुधन श्रेणी में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है ऊंट डोमेस्टिक एनिमल के रूप में सुरक्षित श्रेणी में और चिंकारा नॉन डोमेस्टिक एनिमल के रूप में रूप में सुरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा ऊंट को राजकीय पशु 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया था ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 में दिया गया ऊंट रोक अधिनियम दिसंबर 2014 में बनाया गया था ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस है ऊँट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज के नाम से भी जाना जाता है ऊँटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है राज्य में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जैसलमेर है जबकि सबसे कम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़ है ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में स्थित है ऊँटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है इसलिए इसके दूध का दही नहीं जमता है का दूध मधुमेह, डायबिटीज की रामबाण के साथ-साथ यकृत व रोग में भी उपयोगी है नाचनाच जसलमेर का ऊंट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है भारतीय सेना के नौजवान थार मरुस्थल में नाचना ऊंट का उपयोग करते हैं गौमठ फलोदीप जोधपुर का ऊंट सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है बीकानेरी ऊँट बोजर ढोनी की दृष्टि से प्रसिद्ध है बीकानेरी ऊँट सबसे भारी नस्ल का ऊँट है राज्य में लगभग पचास प्रतिशत इसी नस्ल के ऊंट पाले जाते हैं। ऊँटों के देवता के रूप में बाबू को पूजा जाता है ऊँटों के बीमार होने पर रात्रि काल में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय पाबू जी को है ऊँटों के गले का आभूषण गौरबंद कहलाता है तथा ऊँटों में पाए जाने वाला रोग सर्रा रोग तीव्र है ऊँटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण रोग है इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2011 में योजना प्रारंभ की गई ऊँटो का पालन पोषण करने वाली जाति राई का अथवा रेबारी है ऊँटों की चमड़ी पर की जाने वाली कला उस्ता कला कहलाती है कला को मुनवती या मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है उस्ता कला मूलतः लाहौर की है कला को राजस्थान में बीकानेर के शासक अनूप सिंह के द्वारा लाया गया अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं उस्ता कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हनी उस्ता है उस्ता कला के कलाकार इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया जो कि योनो के कार्यालय में रखा हुआ है महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊँटों की एक सेना भेजी जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है पानी को ठंडा रखने के लिए ऊँटों की खाल से बने बर्तन को कॉपी के नाम से जाना जाता है सर्दी से बचने के लिए ऊंटों के बालों से बने वस्त्र को बाखला के, के नाम से जाना जाता है ऊंट पर कसी जाने वाली काठी को कुंची या पिलाण के नाम से जाना जाता है ऊंट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की केल गिरबाण कहलाती के है ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है कुबड़ में एकत्रित वसा इसकी ऊर्जा का स्रोत है राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिडा रोहिडा के फूल को उन्नीस में राज्य पुष्प घोषित किया गया इसे मरुसोबा या रेगिस्तान का शागवान भी कहते हैं रोहिडा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है रोहिडे के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं रोहिडा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में देखा जा सकता है रोहिडे के पुष्प मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं इन पुष्पों का रंग गहरा केसरिया हिरमर्ची पीला होता है जोधपुर में रोहिडे के पुष्प को मारवाड़ का टीक कहा जाता है रोहिडे को जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है राजस्थान का राज्य इकतीस अक्टूबर उन्नीस में राज्य वृक्ष खेजड़ी को घोषित किया गया था रेगिस्तान का गौरव अथवा थार का कल्प वृक्ष के नाम से खेजड़ी को जाना जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिफ सिनेरेरिया है पाँच जून उन्नीस को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर साठ पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष जिले की दृष्टि से नागौर जिले में देखे जा सकते हैं खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयदशमी या दशहरे के अवसर या अश्विन शुक्ला दशमी के अवसर पर की जाती है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी व झुंझार बाबा के मंदिर बने होते हैं खेजड़ी को हरियाणा व पंजाबी भाषा में जांटी के नाम से जाना जाता है खेजड़ी को तमिल भाषा में पैमे के नाम से जाना जाता है खिजड़ी को विष्णु संप्रदाय में समी के नाम से जाना जाता है खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सीमलो कहाता कहा जाता है खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बना बनी के नाम से जाना जाता है खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोकड़ा के नाम से भी जाना जाता है खेजड़ी को बंगाली भाषा में छाईगाछ के नाम से जाना जाता है खेजड़ी की हरी फलियाँ सांगरी कहलाती है तथा पुष्प मिंजर कहलाता है खेजड़ी की सूखी फलियाँ खोखा कहलाती है खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा लूंग या लूम कहलाता है वैज्ञानिकों ने खेजड़ी से वृक्ष खेजड़ी के वृक्ष की आयु पाँच हजार वर्ष बताई है राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के दो वृक्ष एक हजार वर्ष पुराने मांगलियावास गांव अजमेर में मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या श्रावण को वृक्ष मेला लगता है खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्टना व ग्लाइकोटरमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया गया है ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान उन्नीस में चलाया गया था वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान सोलह सौ चार ईस्वी में जोधपुर के रामश्री गांव में कर्मा व गोरा के द्वारा किया गया खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी विष्णो ने सत्रह में तीन लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ली ग्राम या गुड्डा विष्णोई गांव में भाद्रपद शुक्ला दशमी को दिया था भाद्रपद शुक्ला दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजरदी गांव में लगता है विष्णोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खडाना कहलाता है इस बलिदान के समय जोधपुर का राजा अभय सिंह था अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा तीन लोगों की हत्या की गई खेजड़ती दिवस प्रत्येक वर्ष बारह सितंबर को मनाया जाता है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत वर्ष उन्नीस सौ चौरानवे में की गई थी खेजड़ी आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है यह राज्य के नृत्यों का श्रीमोर या मुकुट माना जाता है राजस्थानी नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है घूमर को घूमर को राज्य की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है घूमर के तीन रूप माने जाते हैं झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य झुमरिया कहलाता है लूर ग्रास या की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लूर कहलाता है घूमर इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती है राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा उन्नीस में दिया गया खिलाड़ियों की संख्या बास्केटबॉल में पाँच होती है बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में प्रस्तावित है अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक निर्धारित बास्केटबॉल कोर्ट 28 बटा 15 मीटर होता है रिम का शीर्ष कोर्ट के ऊपर ठीक 10 फीट 3.05 मीटर है और बेस लाइन के अंदर 4 फीट 1.2 मीटर है बास्केटबॉल आकार 28.5 परिधि साइज छ और वजन बीस औंस होगा पुरुषों के लिए आधिकारिक गेंद उन्तीस पॉइंट परिधि साइज सात की और वजन बाउंश बाईस औंस होगा राज्य गीत केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गया, गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर की अल्लाह जिला बाई को जाता है अलाजिलाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है यह गीत मांड गाय की शैली में गाया जाता है मांड गायिकाओं के अन्य नाम अन्य नाम है स्वर्गीय हाजन अलाजिलाबाई बीकानेर की स्वर्गीय गौरी देवी बीकानेर की मांगी बाई उदयपुर की और गौरी देवी पाली की राजस्थान का राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य दक्षिण भारत का प्रमुख तृत्य भरतनाट्यम कथक का भारत में प्रमुख ग्राणा लखनऊ है कथक के राजस्थान में प्रमुख ग्राणा जयपुर है कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है अब राज्य के शुभंकर जो कि प्रत्येक जिले को आवंटित किए हैं अजमेर का खड़मोर अलवर का सांभर बांसवाड़ा का जलपीपी बाराका का मगर बाड़मेर में लोमड़ी बिलवाड़ा का मोर बीकानेर में भट्टीतर बूंदी में सुरखाब चित्तौड़गढ़ चौसिंगा चूरू में कृष्णमर्ग कलाब हिरण दोसा खरगोश धौलपुर पंछीरा डूंगरपुर जंगली धोक हनुमानगढ़ छोटा किलकिला जैसलमेर गोडावन जालोर भालू झालावाड़ गागरोनी तोता झुंझुनूम काला तीतर जोधपुर कुंजा करौली घड़ियाल कोटा उदबिलाव नागौर राजहंस पाली तेंदुआ प्रतापगढ़ उड़न गिलैरी रासमंद भेड़िया स्वामाधोपुर बाग श्रीगंगानगर चिंकारा सिक्कर साहिन शिरोही साहिन जंगली मुर्गी टोंक हंस उदयपुर बिज्जू जयपुर चित्तल और भरतपुर का सारस ये जिलेवार सुबंकर जो कि हर जिले को आवंटित कर रखे हैं इनसे भी सवाल बनते हैं कई बार राजस्थान की राज्य की राजधानी जयपुर राजस्थान स्टेट कैपिटल जयपुर जयपुर को प्राचीन काल में जयगढ़ रामगढ़ ढूंढाड़ व मोमिनाबाद के नाम से जाना जाता था ग्यारह में ढूंढाड़ में दुलराय ने कछवा वंश की स्थापना की तथा दोसा को राजधानी बनाया 1207 में कोकिलदेव ने आमेर को कछुआ वंश की राजधानी बनाया जो सत्रह तक रही जयपुर की स्थापना स्वाई जयसिंह के द्वारा अठारह नवम्बर सत्रह में की गई थी जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को माना जाता है जयपुर के निर्माण के बारे में बुद्धिविलास नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है जयपुर का निर्माण जर्मनी के शहर द एल्ट स्टर्ट एलर के आधार पर करवाया गया जयपुर का निर्माण चौपड़ पैटर्न पैटर्न के आधार पर किया गया है जयपुर को राजधानी 30 मार्च उन्नीस को बनाया गया था जयपुर को राजधानी श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था प्रिंस अल्बर्ट अठारह के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय राम सिंह द्वितीय को जाता है सी रमन ने जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी रंग का द्वीप भी कहा है ये थे राजस्थान के राज्य के प्रतीक चिन्हों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग